अच्छा, लगातार कांग्रेस नेता जो है इस्तीफा देकर जा रहे हैं बीजेपी में। आज जो है भोपाल में सुरेश पचौरी जो है केंद्रीय मंत्री है, वो कांग्रेस भी है, पूर्व केंद्रीय मंत्री है, लेकिन वो आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। क्या लगता है कि लगातार अच्छा कांग्रेस देखिए, कांग्रेस अब डूबती हुई नैया है, तो डूबती हुई नैया पर कौन बैठेगा? सब भाग रहा है कांग्रेस से, चाहे वो महाराष्ट्र से दो लोग भाग गए, हर जगह से भाग रहे हैं। इसलिए डूबती हुई नैया है कांग्रेस, पतवार जिनके हाथ में है उस पर भरोसा नहीं है कांग्रेस के लोगों को। राजद कह रही है कि अमित शाह बार बार बिहार कुछ देने नहीं, लेने आते हैं, दंगा फैलाने के लिए आते हैं। बिहार को एनडीए की सरकार ने जो दिया है, आरजेडी को तो कहने का अधिकार ही नहीं है। 15 साल में डेटा निकाल ले, बहस कर ले, विकास के बदले विनाश का काम किया था, उनको आरजेडी को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जिस भारतीय जनता पार्टी ने, जिस एनडीए ने 5 साल में नहीं 10 साल टोटल भी ला लेंगे तो जितना काम दिख रहा है वो एनडीए का ही। लिस्ट जारी की है और राहुल गांधी को फिर से वायनाड से उम्मीदवार बनाया गया, अमेठी की घोषणा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इनको अमेठी के जनता पर भरोसा नहीं है। जिस अमेठी की जनता ने इंदिरा गांधी के परिवार को सम्मान देने का काम किया, 5 साल इन्होंने अपने भाषण में सम्मान के बदले अमेठी को के जनता को अपमानित किया, और इनको एक ही वोट पर भरोसा है क्योंकि केरल के वायनाड में मुस्लिम बाहुल मतदाता हैं, उनको भरोसा है, लेकिन अमेठी की जनता पे भरोसा नहीं है। और स्मृति ईरानी के खिलाफ, स्मृति ईरानी जितना बार गई है 5 साल में, उसका 1/4 भी गांधी परिवार अमेठी नहीं गया है। तो अमेठी की जनता स्मृति जी को अपनी बेटी के रूप में, अपनी बहन के रूप में मानता है, इसीलिए ये उन्होंने वायनाड से चुनाव लड़ने की घोषणा की। उद्धव ठाकरे ने नारा दिया कि प्रधानमंत्री ने जय बजरंगबली कहा है, तो महाराष्ट्र में जय भवानी जय शिवाजी कर लोग वोट डालें। जय भवानी जय शिवाजी जय बजरंगबली जय श्री राम, ये तो बीजेपी का है ही। जो लोग भटक गए हैं, जो लोग बाल ठाकरे जी की आत्मा रो रही होगी, जो मुस्लिम तुष्टिकरण की ओर जा रहे हैं, उनको अधिकार कहाँ किस दिया कि वो जय भवानी को तो भूल करके वो दूसरा काम करने लगे। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।